पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉडल के केस को लेकर बिहार के 6 जिलों में गुरुवार को एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। पटना, दरभंगा, मोतिहारी, नालंदा, अररिया और मधुबनी में सुबह 6 बजे से ही एनआईए की टीम ने पुलिस के साथ इन जगहों पर छापेमारी की है। बता दें कि पटना में पीएफआई के संरक्षक परवेज अथर के घर रेड पड़ी है। दरभंगा में 3 जगहों पर एनआईए की टीम एक साथ दबिश की है। दरभंगा के उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी और शंकरपुर में मोहम्मद मुस्तकीम और सनाउल्लाह के घर एनआईए की टीम पहुंची है। वहां उसके रिश्तेदारों से पूछताछ चल रही है और साथ ही घर को भी खंगाला जा रहा है। बता दें कि नूरुद्दीन जंगी को एनआईए ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। वो वकील हैं और संदिग्धों के लिए बेलर का काम करते थे। वहीं देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में फुलवारी शरीफ थाने में 26 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें शंकरपुर गांव के सनाउल्लाह उर्फ आकीब और मोहम्मद मुस्तकीम भी शामिल हैं। एनआईए की 3 टीम में 21 अधिकारी दरभंगा पहुंचे हैं। इनमें 2 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं मोतिहारी के चकिया के कुआवा गांव में रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर भी एनआईए की टीम रेड कर रही है। आरोप है कि रियाज पीएफआई का मास्टर ट्रेनर है। उसके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। बात करें नालंदा की तो नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र के नदी मोड़ स्थित असगर अली के घर भी एनआईए की टीम ने रेड डाली है। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। टीम घर के सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला इलाके में पीएफआई के संरक्षक परवेज अथर के घर पर भी छापा पड़ा है। आज सुबह से ही एनआईए की टीम ने यहाँ छापेमारी की है जो अभी चल रही है। इसके घर को खंगाला जा रहा है। एनआईए की टीम अथर परवेज की कुंडली खंगालने में जुटी है। 11 जुलाई को देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पटना पुलिस ने अथर को पकड़ा था। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र को मकिया गांव में एनआईए ने मोहम्मद तौसीफ के घर भी छापा मारा है। ये अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। पूरी पुलिस फोर्स के साथ इस गाँव में टीम दाखिल हुई। घर के सभी लोगों से टीम की पूछताछ जारी है। तौसीन पीएफआई के मिथिलांचल का अध्यक्ष है। मकिया गांव स्थित अपने घर पर कभी कभी मोहम्मद तौसीफ पीएफआई का झंडा भी लगाता था। ये खुद गांव वालों ने बताया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व में मकिया गांव का मोहम्मद तौसीफ पटना के गांधी मैदान में पुलिस द्वारा देश विरोधी नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। तो एनआईए की टीम जो है वो बेहद एक्टिव दिख रही है और आज सुबह सवेरे 6 बजे से ही बिहार के 6 अलग अलग जिलों में पहुंचकर छापेमारी कर रही है और लगातार जो ये आतंकवादी हैं जिन पर जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं इनके घरों को खंगाला जा रहा है, इनके अगल बगल रहने वाले लोगों से पूछताछ किया जा रहा है और इनका पूरा जो पिछला रिकॉर्ड है उसे भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।